क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद शहनशाह महामृदुंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वर्धनात् मृत्योर्मुक्षीया मामृतात्। गायत्री मंत्र भी आता है आपको? हाँ, क्यों नहीं आता, मेरे सारे मित्र हिंदू हैं। ओम गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। हमारे साथ अभी जुड़े हैं मुस्लिम समुदाय के कोई ऑफिसर हैं, इनका श्री राम मंदिर के बारे में क्या ओपिनियन है इन्हीं के मुख से सुनते हैं। सर आपका नाम, अब ये जो ओवैसी साहब हैं उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को हम काला दिवस मनाएंगे, ये सभी मुसलमान के लिए जो है काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो पॉलिटिकल होके नहीं बोल बताऊँगा, मैं एज ए इंडियन आपसे बात करना चाह रहा हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा। धरती है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो मैं जब भी अपने भारत देश की कल्पना करता हूँ तो मेरे मानस पटल पे यह गीत अनायास ही गुंजायमान होने लगती है और हम अपने देश को पूरे विश्व के गौरवशाली इतिहास में सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत होगी हमारी पुरातन पद्धति से, हमारी सिविलाइजेशन से, जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करते हुए हम अपने जो रूट है हमारा, हम उसको भूलते हुए चले जा रहे हैं और इसी रूट में हमारी जो पहली सीढ़ी है जिससे कि हम विश्व गुरु बन सकें उसका अस्तित्व है राम मंदिर। और राम मंदिर को हम एज ए बहुत ही पॉजिटिव व्यू में देख रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की GDP के लिए, एज ए टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और एज ए इंडियन और एज ए ह्यूमन मैं तो दोनों हाथों से भगवान राम को प्रणाम करता हूँ और उनका दिल से स्वागत करता हूँ। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई हैं तेज प्रताप जी, उन्होंने बोला कि 22 जनवरी को मेरे सपने में आए प्रभु श्री राम जी के वहाँ नहीं आएंगे। देखिए, प्रभु श्री राम कोई एक एलिमेंट तो है नहीं, वो एक विचार है एक्चुअली। तो आप अपने हृदय में अगर आप झांक के देखें तो प्रभु श्री राम आपके हृदय में स्वयं अभी हैं और वो एकमात्र, चूँकि वो एक गर्भगृह है। तो जैसे कि अगर आपको खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट जाते हो और आपको ऐसे गाड़ी ठीक कराना है तो आप गराज जाते हो, वैसे ही भगवान श्री राम एक प्रतीक चिन्ह है, उनका गर्भगृह है अयोध्या में। तो निश्चित रूप से वहाँ मंदिर बनना चाहिए और अगर वो वहाँ मंदिर बना है तो ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मथुरा में श्री कृष्ण लला जी का मूर्ति जो है वहाँ भी अगर मंदिर बन जाए और प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसमें आपका क्या राय है? मुझे लगता है कि ये दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियरी राइट नाउ, तो इस पे तो ज्यूरिडिक्शंस का जो आदेश होगा हमारे लिए भी वही रिस्पेक्टेड है। और आप ऐसा, मेरा मानना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें शायरी बहुत आता है, गाना बहुत अच्छा अच्छा आता है, तो प्रभु श्री राम पे या फिर राष्ट्रवाद पे कुछ शायरी या फिर गाना सुना दीजिए। मैंने आपको सुनाया तो था, धरती है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई भजन भी आता है आपको? आप क्या सुनना चाहते हैं? मुझे तो सारा आता है। मां मिट्टी ने बंद कर